हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है तो वो बॉल हैंग सीट के रिगार्डिंग रहने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको बॉल हैंग सीट लगाते हो तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, एंड इसके प्राइस क्या रहेंगे, इसके डिज़ाइन क्या रहेंगे, एंड इसके फ़ायदे क्या रहेंगे। पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको टोटल समझ में आ जाएगा। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वॉल हैंग सीट लगाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो हम 7 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 7 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। आपको जो 7 पॉइंट याद रखने हैं वॉल हैंग सीट लगाने का आपका प्लान है तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो रहेगा कि दीवार की मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले जो दीवार की मोटाई है ना, उसको 9 इंची कम से कम होना चाहिए। 9 इंची के अंदर ही, क्योंकि 4 इंची का लगभग सिस्टम होता है, इसके अंदर दबेगा, सिस्टम दीवार के अंदर दबता है, तो उसको 4 इंची में ये नहीं आएगा। अदरवाइज़ आपकी 4 इंची की वॉल बनी है तो उसके आउटलेट आपको बनवाना पड़ेगा, यानी उसके बाहर से दीवार आपको बनानी पड़ेगी सिस्टम दबाने के लिए, क्योंकि ये ओनली प्लेट बाहर दिखती है, सिस्टम दीवार के अंदर लगता है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा सिस्टर्न या फ्लैश बॉल, इसको बोलते हैं हम फ्लैश बॉल। ये भी सीट को फ्लैशिंग के लिए होता है, और ये होता है सिस्टर्न, ये भी फ्लैशिंग के लिए होता है। तो ये प्लास्टर से पहले ही आपको प्लान लेना पड़ेगा कि हमें वॉल हैंग सीट लगाने से पहले फ्लैश बॉल लगाना है या फिर सिस्टर्न लगाना है। इसके लिए आपको 9 इंची की दीवार की ज़रूरत नहीं है, इसमें 4 या 5 इंची की दीवार में काम हो जाएगा, और इसके लिए सिर्फ सीधी पाइपलाइन चाहिए होगी। भाई, इसका आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि इसकी सीधी पाइपलाइन चाहिए होगी, इसके लिए सीधी पाइपलाइन से ही इसका फ्लैशिंग जो काम करता है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा आएगा गाइस, ब्रांड। अगर आप कोई भी सीट लेते हो, कुछ भी आप पसंद करते हो, तो आप ब्रांड का ही लें। ये ब्रांड का एक फ़ायदा है कि इसका जो ब्राइटनेस और शाइनिंग है ना, वो हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा ही रहती है। शाइनिंग वगैरह इसका कभी भी शाइनिंग कम नहीं होती है, और इसकी जो ब्राइटनेस है और जो वाइटनेस है वो हमेशा रहती है। और जो इसका ब्रांड का सिस्टम आता है तो उसकी होम सर्विस वारंटी होती है, कोई दिक्कत आती है, क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम दीवार में दबना होता है, दोबारा थोड़ा फोड़ी तो बंदे करेगा नहीं, टाइल्स लग जाती है। उसके बाद टाइल्स लगने के बाद ऐसा सिस्टम लगाएं कि आपको वारंटी मिल सके, 10 साल की वारंटी कम से कम होती है सिस्टम की, जो दीवार में लगने से आपको फुल वारंटी मिले। आप ब्रांड ही लें, सिस्टम खरीदते हैं आप ब्रांड ही लें। तो गाइज, चौथा पॉइंट जो मेरा था वो था बैरिट बोल्ट, बैरिट बोल्ट या एलेंकी सेट। जो ये सीट हमारी लगी होती है ना वॉल हैंग, इस पे दीवार के अंदर टंगती है ना, तो ये जो बैरिट बोल्ट ये होती है ना, इस पे सीट टंगती है हमारी, तो ये अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। क्योंकि कुछ देखा मैंने, कुछ समय बाद बैरिट बोल्ट होते हैं टेढ़े पड़ जाते हैं या गिर जाते हैं या निकल जाते हैं, तो ये चीज़ हैवी क्वालिटी का होना चाहिए। या फिर इसकी जगह एलेंकी सेट आता है, एक एलेंकी सेट भी आप कुछ सीटों के अंदर आता है, कुछ अलग से लेना पड़ता है। अगर सीटों के अंदर आता है ब्रांड सीट है तो उसके साथ अच्छे ही क्वालिटी के आते हैं। अगर नॉन ब्रांड आप सीट लगा रहे हो, अलग से आप बैरिट बोल्ट लेते हो या एलेंकी सेट लेते हो, तो अच्छी क्वालिटी का ही खरीदें, क्योंकि ये क्या रहता है, इसका मेन रोल होता है सीट को टांगने के लिए। पाँचवा पॉइंट आपको ध्यान रखना है गाइज, सीट कवर। सीट कवर हमारा जो होना चाहिए सॉफ्ट क्लॉथ होना चाहिए, क्योंकि जब आप सीट लगा रहे हो ना, तो इसके जो सीट कवर होते हैं ना, इसका भी बहुत रोल होता है। एक तो हाइड्रोलिक तो अधिकतर आ ही रहा है, अब ज़्यादातर सीटों में हाइड्रोलिक सीट कवर आ रहा है, लेकिन ये जो इसकी जो फिनिशिंग है और जो इसका लुक है ना, वो कंफर्ट होना चाहिए। बंदा अगर बैठे तो इसको बैठने के बाद जो फील आए ना, एक फील जो आना चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड फील आना चाहिए बैठने के बाद। सॉफ्ट क्लोथ सीट कवर होना चाहिए जो एक अच्छा लुक दे। काफ़ी होता है कि काफ़ी हैवी होता है, काफ़ी हार्डनेस होती है सीट कवर में, उसको बैठने के बाद मतलब कम्फर्ट फील नहीं होता है। तो सीट कवर भी आप ज़रूर देखें, अगर वॉल हैंग सीट आप खरीदते हो तो आपको सीट कवर पर भी जरूर ध्यान देना है। तो गाइस, ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। सिक्स पॉइंट हमारा रहता है क्या, सीट रिमलेस सीट लें। वॉल हैंग सीट जो आती है आजकल, एक रिम वाली होती है, रिम वाली में क्या रहता है, सफाई में थोड़ी दिक्कत आती है, एक होती है रिमलेस। ये आपको मैं पीछे वीडियो बता चुका हूँ कि आपको जो मैंने वन पीस पे बनाई थी उसमें मैंने बता रखा हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है रिमलेस वगैरह में, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो कि साइड से पानी आ रहा है ये, ठीक है, और ये साइड से पानी आ रहा है, इसके अंदर होल नहीं है बाकी क्या, बाकी ये इसको बोलते हैं हम रिमलेस। गाइस, एक आता हमारा, देखो इसको बारीक बारीक आपको होल दिख रहे होंगे जो सीट के अंदर, ये बारीक बारीक होल भी होते हैं। तो गाइस, ये थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, तो इसके अंदर होल होते हैं,
तो इसके अंदर जो पानी निकलता है ना, वहाँ पर देखा होगा आपने पानी के निशान पड़ जाते हैं, काले काले निशान, एक मतलब जम से जाता है, जो चूना टाइप का होता है वो जम जाता है। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको, रिमलेस सीट खरीदें आप, जिसके अंदर होल होते हैं वो आप सीट ना लें। सातवां पॉइंट है हमारा डिज़ाइन एंड साइज। अब इसके अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं, देख सकते हैं आप, ये सारी बॉल एंड सीट लगी हैं। इसके अंदर स्क्वायर मॉडल भी है, राउंड शेप भी है, ओवल शेप भी है, कलर भी हैं, कलर भी आते हैं इसके अंदर। तो ये आप अपने वॉशरूम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कलर, कि आपका बेस क्या है, आप हमारा कौन सा कलर बेस्ट रहेगा। ज़्यादातर 90% तो वाइट सीट ही लगती है। अगर आप अकॉर्डिंग कलर के लेने चाहते हो तो आप कलर भी आप ले सकते हो, बेज कलर भी आता है इसका, ब्लैक कलर भी आता है, और इसके आइवरी कलर भी आते हैं। और इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो बड़ा साइज़ भी आता है, एक छोटे साइज़ भी आते हैं। एक स्टैंडर्ड साइज़ तो लगभग ये वाले होते हैं, बड़ा साइज़ उसके लिए होता है जो लोग हेल्थी होते हैं, और जो हाइट इनकी ज़्यादा होती है, इनको हेल्थी होते हैं, तो उसके हिसाब से बड़ा साइज़ ही खरीदें। और वॉशरूम के अकॉर्डिंग, यानी वॉशरूम आपका बड़ा साइज़ है तो आप सीट बड़ी ही खरीदें। ये तो हमारे हो गए इसके किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब सेकेंड हमारा, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी लास्ट में हम प्राइस की बात करेंगे, इसका प्राइस क्या रहता है। पहले हम इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। अगर आप वॉल हैंग सीट लगाते हो ना, तो सबसे पहले तो इसकी क्लियरिंग का बहुत बेनिफिट है, इसका इजीली साफ हो जाता है, इसका नीचे भी पूरा स्पेस मिलता है साफ़ करने के लिए, ये दीवार से टच होती है, नीचे फ्लोर पूरा खाली मिल जाता है। इन सीट में थोड़ा सा रहता है कि सफाई में थोड़ी सी दिक्कत आती है। दूसरा हमारा इसका फ़ायदा रहेगा, एलिजेंट लुक आता है इसका, और इस जो इसका एलिजेंट का मतलब ये कि अच्छा लुक देती है। सिस्टम हमारा दीवार के अंदर लगा होता है या फ्लैश कोक लगा होता है, तो एक छोटा सा इस लगने के बाद पूरा वॉशरूम बड़ा बड़ा दिखता है, तो एक एलिजेंट लुक हो गया। तीसरा हमारा रहेगा, स्पेस हमारा काफ़ी बचता है अगर हम वॉल हैंग सीट लगाते हैं, और जिसमें मैंने देखा है वॉशरूम में स्पेस की दिक्कत है, तो वहाँ के लिए बहुत बेस्ट है कि स्पेस आपको लगाने के बाद काफ़ी स्पेस बचता है। तो ये तो हमारे इसके फ़ायदे हो गए, और काफ़ी सारे और भी फ़ायदे हैं, अगर मैं सारे फ़ायदे बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इसकी हम प्राइस की बात करते हैं। तो गाइज़, अगर आप ब्रांड में जाना चाहते हो तो इसके जो प्राइस रहते हैं वो अच्छे ब्रांड की सीट लगभग 8,000 से लेके 15-17,000 तक आपको वॉल हैंग सीट मिलेगी, आपको नॉर्मल वाइट कलर में, ब्रांड सीट में। और आप नॉन ब्रांड में जाना चाहते हो तो 3,500-4,000 की रेंज में आपको नॉन ब्रांड में आपको सीट मिल जाएगी, वॉल हैंग सीट। सिस्टर्न की अगर हम बात करें तो सिस्टर्न तो गाइस आप ब्रांड ही खरीदें। सिस्टर्न का ये नहीं है कि आपने सिस्टर्न कोई भी लगा सकते हैं, सीट आप कोई भी लगा सकते हो, ये नहीं कि सीट का ही है। तो सिस्टर्न में अगर आप बात करें ब्रांड की, तो सिस्टर्न ब्रांड में आप जाना चाहोगे 5,000-6,000 रुपए की रेंज में आपको ब्रांड सिस्टर्न मिलेगा, और नॉन ब्रांड में अगर हम बात करते हैं 2,500-2,200 की रेंज में आपको नॉन ब्रांड सिस्टर्न मिलेगा। तो गाइज़, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।